टीकमगढ़ थाना कोतवाली पुलिस ने गुलाब गार्डन से शादी समारोह के दौरान 5 लाख रुपए के जेवरात चोरी करने की घटना का खुलासा किया है। इसी के साथ गिरोह के द्वारा टीकमगढ़ के मिश्रा तिराहे के पास बैंक से नकदी निकालकर घर जा रहे व्यक्ति के थैले से 80,000 रुपए चुराने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बताया गया कि ये गिरोह टीकमगढ़ में सक्रिय रहता था, जो मौका पाकर शादी समारोह और बैंक से पैसे निकालकर आने वाले लोगों को निशाना बनाते थे। दोनों ही घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी कुलखेड़ी के रहने वाले थे, जिन्हें घटना में उपयोग करने वाली कार सहित गिरफ्तार किया है। साथ ही मशरू का बरामद किया है। वहीं अस्पताल चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर से 2 दिन पहले चोरी का भी पुलिस ने खुलासा किया है। बताया गया कि आरोपी मेडिकल स्टोर पर काम करने वाला ही नाबालिग युवक था, जिसने ताले तोड़कर मेडिकल स्टोर के अंदर रखी नकदी चोरी की थी, जो बरामद की गई है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। क्षेत्र में कुछ बड़ी चोरियां और कुछ छोटी चोरियां भी हुई थी, जिनका एक साथ खुलासा कर रहे हैं आज हम। जिसमें से 3 चोरियां हुई, जिसमें संगम गार्डन में 5 लाख की जेवरात की चोरी हुई थी, मिश्रा तिराहे पे 80,000 की कैश की चोरी हुई थी, और अभी 24 घंटा पहले ही एक चोरी हुई है अस्पताल तिराहे पे, एक मेडिकल स्टोर। तो इन तीनों चोरियों का हमने खुलासा किया है। तीनों चोरियों में जो आरोपी थे, उसमें से 2 चोरियों में विधि विरुद्ध बालक थे, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और ये जो चोरियां थी, पहली बार इनके द्वारा की गई है। इनके द्वारा कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं लगाया गया है, तो नोटिस पे भी कुछ आरोपियों को छोड़ा गया है। दूसरा, इसमें मशरू का जो है, जो पहली चोरी संगम गार्डन वाली है, 5 लाख का जितना मशरू का था, हमारा पूरा हमने बरामद किया है। PI साहब ने इसमें विशेष भूमिका रही है, इनकी टीम ने, जो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे टीम, तो इन्होंने लगातार साइबर सेल से डिटेल निकालकर, कॉल डिटेल निकालकर, PSTN डेटा निकालकर इन चोरों को पकड़ने में और माल मशरू का बरामद करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। जो चोर हैं, कहाँ के हैं ये चोर? कुछ एक लोकल के हैं और कुछ एक बाहर ललितपुर साइड के भी हैं। तो ये चोरी करके भाग गए थे, तो इनको वापस पकड़ के लाया गया है। और एक में जो आल्टो कार बरामद की गई है चोर के पास से। अब शहर में चोरियां ना हो, भले ही आपने 24 घंटे में पकड़ ली हो, इसके क्या करेंगे? इसके लिए लगातार गश्त के लिए हम लोग रात में स्वयं चेक कर रहे हैं, TI साहब और मैं खुद रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, अकस्मात चेकिंग कर रहे हैं, ताकि अगर कोई गश्त अधिकारी जैसे गश्त अच्छे से नहीं कर रहा है, हम NRS की मदद ले रहे हैं। और लगातार हम भी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, 2-2 बजे तक हम भी क्षेत्र में रहते हैं, और कोई भी सूचना होती है, किसी इवेंट आता है 100 का, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तत्काल कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं उठाई जाती है कि रात में इतने गश्त होने के बाद भी चोरियाँ हो जाती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें कमी हमारी ही होती है, हमारी गश्त में कई बार कमियां रह जाती है। लेकिन मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि सतर्क रहें, और ऐसी कोई सूचना होती है तो हमें तत्काल सूचना दें। हम भी लगे हुए हैं और लगातार इसमें हम पकड़ने की भी कोशिश करेंगे, और पूरी तरह ये आश्वासन तो नहीं दे सकते कि चोरियाँ नहीं होगी, लेकिन ये जरूर आश्वासन दे देंगे कि हम गश्त बढ़ाएंगे, अपने तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।